पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। श्रीशङ्कराचार्यनवावतारं विश्वेश्वरं विश्वगुरुं प्रणम्य वेदान्तशास्त्रश्रवणालसानां बोधाय कुर्वे कमपि प्रयत्नम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ तत्सत्। श्री परब्रह्मात्मने नमः। श्री मधुसूदन सरस्वती स्वामी विरचितेन सिद्धांत बिंदुना संवलिता श्री शंकर भगवत्पादाचार्य विरचिता दश श्लोकी। भगवती भागीरथी गंगा के तट पर आप लोग मधुसूदन सरस्वती स्वामी के द्वारा विरचित सिद्धांत बिंदु नामक टीका सहित आचार्य शंकर भगवत्पाद विरचित दस श्लोकी ग्रंथ का श्रवण करने के लिए एकत्रित हुए हैं। आचार्य शंकर के बारे में स्वयं मधुसूदन सरस्वती कहते हैं, श्री शंकराचार्य नवावतारम विश्वेश्वरम विश्वगुरुम प्रणम्य। श्री शंकराचार्य अभिनव अवतार है साक्षात शंकर भगवान का। शंकर का अवतार शंकराचार्य। आप लोग ब्रह्मा जी के अवतार के बारे में तो शायद नहीं सुने, होते नहीं। इन विष्णु के तो 24 अवतार का वर्णन है, 23 तो हो चुका, एक बाकी है। शिवजी के भी अवतार के बारे में ज्यादा वर्णन नहीं है। कारण क्या है? एकमेव अद्वितीय उस ब्रह्म तत्व में अनादिकालीन माया के कारण से विरचित, माया से विजृंबित विवर्तित इस अनंत ब्रह्मांड अंतर्गत परिदृश्यमान इस ब्रह्मांड के प्रसंचालन के लिए वह माया अपना सत्रजतम गुणों से विशिष्ट होकर के ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में जब प्रकट होते हैं, तब उनमें से सृष्टि का संचालन है तो विष्णु का प्रमुख भूमिका है और शिव की भूमिका तो नास्ते। अब ऐसे शिव का अवतार शंकराचार्य है। शिव तत्व ही संसार का नाश के लिए यथा तथा अज्ञान का नाश के लिए से नाश रूप कार्य करने के लिए ही शिव का ही अवतार संभव है, विष्णु के अवतार से नहीं होने वाला। विष्णु के अवतार जो संसार को संभालने के लिए होता है, लेकिन शिव जो है नाश के लिए। अतः जिनका अवतार है उसी से ज्ञापित हो रहा है। ये अवतार का उद्देश्य ही सभी के अज्ञान का नाश करे। अतएव विशेषण दिया विश्वगुरुम। विश्वस्य गुरु हो इति विश्वगुरु हो तम विश्वगुरुम। तो समस्त विश्व का एक गुरु है।
और कुछ लोग कहते हैं विश्व शब्द का अर्थ स्थूल शरीर है। इस स्थूल शरीर के बारे में आपको व्यक्त दे रहे हैं, न भूमि न तोयम न तेजो न वायु, जिस पंचभूतात्मक शरीर तुम मान रहे हो अपने आप को, या पंचभूतात्मक शरीर से तुम्हारा कोई वास्तव में रिश्ता ही नहीं है। इस बात का ज्ञान देने वाले गुरु होने से उनको विश्व गुरु कहा। और जो विश्व गुरु हैं वही विश्वेश्वर, विश्वस्य ईश्वर है थी विश्वेश्वर, समस्त विश्व का जो ईश्वर है अर्थात शासन करने वाले, इस समस्त विश्व पर शासन करते हैं। महिमन स्तोत्र में तो कई बार कई प्रकार से बात कही गई है कि शिव के ही भय से सगल संसार संचरण चल रहा है। भीषास्माद वात पवते है ना, उपनिषद कठोर उपनिषद में भी कहा है। ऐसे उस तत्व सगुण साकार रूपेण आए बिना सोपाधिकता को धारण किए बिना इन सोपाधि की अज्ञानियों का उद्धार संभव नहीं था, इसलिए अवतार अपेक्षित हुआ। लेकिन विचार ये होता है कि भाई एकमेव अद्वितीय तत्व क्या अवतार संभव है? अवतार शब्द से ही ज्ञापित हो रहा है, यहां निर्गुण निराकार का अवतार तो संभव नहीं है। ये सगुण साकार सोपाधिक ईश्वर का ही अवतार, उन तीनों में ऐक्यता स्थापित कर दिया। यो जगद्गुरु सैव विश्वेश्वर यश्च विश्वेश्वर सैव शंकराचार्य, और उसमें भी श्री शंकराचार्य अवतारम कह सकते थे, नव शब्द का प्रयोग क्यों कर? मधुसूदन सरस्वती का कोई भी शब्द प्रयोग करते हैं तो उसका पीछे बहुत महत्व होता है। कहा गया है यदि सरस्वती का पार को जाना है तो मधुसूदनी ने जाना है, और मधुसूदन के यदि पार को कोई समझ रहा है तो सरस्वती ही समझ सकती है, कोई दूसरा नहीं समझ सकता। ऐसे उद्भट विद्वान शब्द प्रयोग करने में सतर्क ना हो या नहीं हो सकता। इसे छंद पूर्णार्थ अन्य शब्दों का भी चकार आदि का जोड़ करके किया जा सकता था, लेकिन नव शब्द प्रयोग करके कुछ विशेष संदेश देना चाहते हैं मधुसूदन सरस्वती कि इसके पूर्व भी आचार्य शंकर के पूर्व में भी अनेकों आचार्य हुए हैं। विश्व सुप्रसिद्ध है द्रविड़ाचार्य की चर्चा तो स्वयं भाष्यकार कई जगह खंडन करने के लिए प्रयोग करते हैं, और ज्ञान क्रम समुच्चयवादी भरत नाम से बहुत बड़े आचार्य हुए, वो भी अपने अलग भाष लिखे थे। इसे कहते पूर्व आचार्य लोग भी अद्वैत की स्थापना के लिए अनेक प्रकार से प्रयास किए हैं, उनके द्वारा सिद्ध किया गया अद्वैत स्वरूप की प्रक्रिया में बहुत अंतर है। और प्रक्रिया में अंतर ही नहीं बल्कि जो साधन बताया गया साधन ही गलत बताया, इसीलिए वे भी सब आचार्य यद्यपि अवतार हैं, वे भी आचार्य यद्यपि अवतार ही हैं। कोई भी आचार्य को हम साधारण नहीं मान सकते, चाहे आचार्य शंकर के उत्तरवर्ती रामानंद आचार्य रामानुजाचार्य वल्लभाचार्य तक जितने भी हुए हैं वे भी सब विष्णु भगवान के या अन्य के अंश अवतार स्फूर्ति अवतार रूप में स्वीकार किया गया है, तो वे भी अवतार। इसलिए अन्य आचार्य के सदृश सामान्य अवतार इनको नहीं समझना, अतः विशेषण दिया नव अवतार, नवीनम अवतारम इति नवावतार। श्री शंकराचार्य और आचार्य भी थे,
जैसा कहते थे वैसा वे अपने जीवन में आचिनोति सर्वमिति आचार्य। केवल उपदेष्टा नहीं थे, वे केवल उपदेष्टा नहीं थे किंतु वे वास्तव में कहते हैं आचरण में भी परिपक्व थे, इसलिए उनको आचार्य कह दिया। उपनीय यह शिष्य इत्यादि अनेक श्लोक स्मृतिकार आचार्य शब्द का अनेकों लक्षण किए हैं। मुख्य है यह स्वजीवने आचिनोति सर्वम यह उपदिशति स आचार्य। जो कुछ भी हम उपदेश दे रहे हैं वह उपदेश अपने जीवन में पहला होना चाहिए, तो हम आचार्य कहे जाएंगे, नहीं तो कह का आचार्य। प्रयोगात्मक जीवन होना केवल सैद्धांतिक कथन करने से नहीं होगा। सिद्धांत कथन करने वाले बहुत पंडित मिलेंगे, लेकिन उसको जीवन में उतारने वाले कोई कोई तो होते हैं ना। इसलिए नाम से शंकर, सर्वैश्वरी संपन्न होने से श्री शंकर, ऐसा हो तो वह विश्वेश्वर के अवतार है, उसमें भी नवीन एक विलक्षण अवतार, ऐसा विलक्षण अवतार है ना भूतो न भविष्यत, इसे नवीन शब्द है। श्री शंकराचार्य नवावतारम विश्वेश्वर विश्व गुरु प्रणम्य, ऐसा उस आचार्य को प्रणाम करके मैं मुसुन सरस्वती क्या करने जा रहा हूं, कम भी प्रयत्न कुरुवे, एक छोटा सा प्रयत्न करने जा रहा हूं। इतना महान कार्य कर रहे हैं फिर क्या कहते, लेकिन एक छोटा सा कार्य कर रहा हूं। और आप लोगों के ऐसा स्वभाव, एक छोटा सा काम करते हैं और उसको बड़ा बना के सुना, एक अज्ञानी का स्वरूप है। विद्वान का लक्षण यह होता है बड़ा से बड़ा काम करे तो भी कहते हमने कुछ किया ही नहीं, क्यों, कर्तृत्व का अभिमान नहीं होता। एक कुर्वे प्रयोग करके कर्तृत्व का भान भी करा रहे हैं, श्लोक में प्रयोग क्या किया, कुर्वे, कुर्वे कहते हुए कर्तृत्व का भी अभिमान दिखा रहे हैं, किंतु कम भी कह करके ये स्थापित कर दिया मिथ्या कर्तृत्व को लेकर मैं किंचित कर्म करने लगा। मिथ्या कर्तृत्व के लिए अपी शब्द है ना, कम भी प्रयत्न करवे, मतलब यद किंचितेव प्रयत्न करवे, अर्थात मिथ्याबुद्ध कर्तृत्व से विशिष्ट होकर के लोक कल्याण में कैसे कर रहे हैं, वो किन के लिए कर रहा हूं, वो भी वेदांत शास्त्र श्रवणालसाना, वेदांत शास्त्र दस उपनिषद और विराट जो आपका ब्रह्मसूत्र और भगवत गीता, ये विशाल वेदांत शास्त्र में प्रवेश करने के लिए श्रवण करने के लिए आलस है। बड़ा आश्चर्य की बात है, यहाँ फिर शब्द पर देखिए, जो वेदांत शास्त्र को श्रवण करने में आलस है क्या वो उत्कृष्ट ग्रंथ का अधिकारी हो सकता है, जिसमें श्रुति भी चकित होकर जिस तत्व के आतद्यावृत्यायम चकितम अपि धत्ते श्रुतिरपि, मैंने स्तोत्र में कहा गया अतद्व्यावृत्या यत किंचित तत् न तद इति अतत् तत् इति ब्रह्म न तद इति अतत् अतत् किम जगत यत भूमि तो या तेज इत्यादि शब्द ही उच्चते, जिनको आप पृथ्वी जल तेज वायु आपका शब्दों से कह रहे हैं वो क्या है, वो आतत, उसकी व्यावृत्ति करके कहने के स्वयं श्रुति आश्चर्यचकित होती है जिस तत्व के बारे में, उस तत्व को उसी अतत व्यावृत्ति की भाषा से न भूमि न तोयम इत्यादि के द्वारा कहा गया दस श्लोक का व्याख्या करने वाले मुस्लिम सरती कह रहे हैं श्रवण में आलस्यों के लिए मैं दिख रहा हूं। जो श्रवण करने में आलसी हैं क्या वो इस ग्रंथ के अधिकारी हो सकते हैं, फिर ये शब्द क्यों प्रयोग किए मुसलमान सरस्वती, वेदांत श्रवणालसा नाम मने यहां पर आलस शब्द से तात्पर्य आलस्य नहीं है, वेदांत शास्त्र श्रवण अपर्याप्तम विधि मन्यता नाम, जो वेदांत शास्त्र मैंने सुना हूं गीता ब्रह्मसूत्र दशोपनिषद सुनने के बाद भी
वह उस अतत स्वरूप परमात्मा का शुद्ध परम अतत व्यावृत्ति बोधित उस आत्मा के अनुभूति में पर्याप्त नहीं है। ऐसे मानने वालों के लिए मैं एक छोटा सा उपहार दे रहा हूं, शायद इससे वह संतृप्त हो जाए। इसे आलस शब्द का तात्पर्य आलस्य नहीं लेना है, अपर्याप्त असंतुष्टा नाम इत्यर्थ। वह समस्त लघु प्रस्थान त्रयी समस्त बृहद प्रस्थान त्रयी भी वास्तव में इस तत्व को अतद व्यावृत्ति की भाषा से समझने में अपर्याप्त। ऐसे मानने वालों के लिए मैं एक छोटा से कार्य वो मिथ्या कर्तृत्व को लेकर के करने जा रहा हूं। इस प्रकार के मंगलाचरण के द्वारा ग्रंथ के महत्व, ग्रंथ का विषय और ग्रंथ का अधिकारी के बारे में सुस्पष्ट करते हैं। जो व्यक्ति पूर्णतया लघु प्रस्थान त्रय को सांगो पांग अध्ययन किया हो, जो व्यक्ति बृहद प्रस्थान त्रय को अच्छी तरह से घोटा हो, फिर भी उस तत्व की अनुभूति में लेश मात्र शेष रह गया हो किंचित, वह व्यक्ति इसका अधिकारी। जो व्यक्ति उसको नेति नेति के द्वारा प्रतिपादित तत्व को सम्यक प्रकार से अतत व्यावृत्ति की भाषा से अनुभव नहीं कर पा रहा है, अध्यारोप अपवाद भाषा से अनुभव करना आसान है, यद्यपि उसमें भी बहुत मेहनत तो करना पड़ता है। अभ्यास जो है जिसको योग सूत्रकार ने कहा है सच दृढ़ काल निरंतर दीर्घ काल निरंतर सत्कारासवि तो दृढ़ भूमि ही। दीर्घ काल तक आपको श्रवण मंडित ध्यासन करना पड़ता है, निरंतर करना पड़ता है और सत्कार से आसवित करोगे तो वह अभ्यास शास्त्राभ्यास आपको वास्तव में अनुभव करा सकता है अध्यारोपवाद की प्रक्रिया से। लेकिन वह मंद मध्यम आदि कार्यों के लिए अध्यारोपवाद प्रक्रिया एक सरल प्रक्रिया है, लेकिन उत्तमाधिकारी के लिए वह भी खटकता है, वह भी पर्याप्त नहीं होता। उत्तमाधिकारी के लिए सदा नेति नेति भाषा ही वास्तविक भाषा है। अरूपम स्पर्शम श्रवणम गंधवच्चयत्, ये जो निषेध पूर्वी का कथन करने का जिसको अतद व्यावृत्ति कहा जाता है, इस भाषा से कथन करने पर ही वास्तव में केवल अद्वैत शिवहम जिसको कहा गया उसका अनुभव होता है। एतदर्थ ये आरंभ किया गया। कहते हैं कि भाई देखिए दर्शनों में दर्शनीयतम दर्शन यदि वेदांत दर्शन, सभी दर्शनों में दर्शनीयतम दर्शन वेदांत दर्शन, और उसके विचार शास्त्र का विचार युक्त वेदांत वाक्य द्वारा परम तात्पर्य भूता ऐक्यानुभूति ही लक्ष्य होता है। अवांतर लक्ष्य होता है हमेशा शुद्ध ब्रह्म और जीव, जीव की शुद्ध स्वरूपता, ब्रह्म की वास्तविक शुद्ध स्वरूपता, इनके ऐक्य साक्षात्कार हेतुभूत श्रवण आदि अवांतर कथा मुख्य तात्पर्य नहीं है। और प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों के द्वारा सिद्ध दिग्ग दृश्यादियों का अनेक भागों में विभक्त करके विवेचन करने वाली जो अध्यारोप अपवाद की प्रक्रिया है वह अत्यंत मंदाधिकारी की, जिसमें प्रमाणों का चिंतन करते हैं, प्रमाणों के द्वारा ही प्रमेय की सिद्धि मानाधीना में सिद्धि मान सिद्धि से लक्षण इस प्रक्रिया से चलना है। अतएव यहां पर जो प्रक्रिया अपनाई जो अतत व्यावृत्ति की प्रक्रिया आचार्य शंकर को अपनाए हुए हैं, जो इसमें भी यद्यपि मधुसूदनकार अपने तरीके से समझाने के लिए प्रमाणों का अनुवाद भी करेंगे, उनका कथन करना लक्ष्य नहीं है, अनुवाद मात्र किया जा रहा है। अनुवादस्तुन विधि ही, हमेशा अनुवाद विधि स्वरूप नहीं होता है। जो विधि है यहां अतत व्यावृत्त्यात्मक विधि है, न भूमिर न तोयम, निषेध पूर्वी का ही कथन है। और उसमें भी
अनुवाद्य प्रक्रिया में भी पदार्थ दो प्रकार का है, अनुवाद्य प्रक्रिया में भी पदार्थ दो है, एक दृग दूसरा दृश्य, और उसमें भी दृग रूपा जो पदार्थ भी दो हो जाता है, दृग जो चित्र रूपा पदार्थ है वह भी उपहित और अनुपहित स्वरूपेण दो हो गया, उपहित और अनुपहित। अनुपहित तो मोक दशा में ही होता है केवल, जो अनुपहित है सर्वोपाधि रहित शुद्ध स्वरूप वो केवल कैवल्य अवस्था मोक्ष अवस्था में, और संसार दशा में भासमान जो चिद्रूप है वो है उपहित स्वरूप। वो ईश्वर जीव भेद फिर दो प्रकार का, उपहितोपि द्विविधः ईश्वरश्च जीवश्च, समष्टि उपाधि को लेकर के ईश्वर, व्यष्टि उपाधियों को लेकर के जीव भाव। उसमें ईश्वर क्या है, अविद्योपाधो बिंब व्यूतः, अविद्योपाधि में रहता हुआ बिंबात्मक मानूंगा। ध्यान देने वाली बात यह है, ब्रह्म को बिंब नहीं समझना, ब्रह्म न बिंब है न प्रतिबिंब, वो तो शुद्ध मायोपाधि का अविद्योपाधि जो ईश्वर है वही बिंब है। इसे गीता में कहा ममैवांशो जीवलोके जीवभूतसना, उस बिंब का प्रतिबिंब जीव, इसलिए बिंब यहां कौन है, ईश्वर है, प्रतिबिंब है जीव। अविद्योपाधि के यो प्रतिबिंब स ईश्वर, तस्य कार्य रूपेण विद्यमान से क्षुद्रोपाधो यो प्रतिबिंब स जीव। ये उपहित का भेद को ध्यान में देना है, और भ्रांति नहीं होना चाहिए, कभी ब्रह्म को बिंब मानना ही नहीं है। कई लोग वेदांत के कथन करने वाले लोग ब्रह्म को ही बिंब कह देते हैं, बिल्कुल गलत है, उसका ही अत्यंत निषेध करते हुए कथन कर रहे हैं, शुरू करते हैं। ऐसा तत्व को समझाने के लिए शुरू ही अतत्व्यावृत्त्यात्मक परिभाषा, जो भाषा से कथन की जा रही प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया में जो अवतरण कह करके शब्द जिन्होंने प्रयोग किया नवावतारम, यह तादात्म्य अभिमान को प्रकट करता है, अर्थात तादात्म्य अध्यास पूर्वक जो अभिमान है। यत किंचित जो शरीर क्षुद्रोपाधि रूपा शरीर में जो तादात्म्य अध्यास पूर्विका जो अभिमान है, उस अभिमान के वजह से अवतार शब्द होता है। इन आध्यासिकी अभिमान है, वास्तविक अभिमान नहीं है। अज्ञान पूर्वक जो वास्तविक अभिमान करता है वो जीव अवतार नहीं है। इसे अवतार शब्द से ज्ञापित कर रहे हैं आचार्य शंकर, यथा भगवान श्री कृष्ण शरीर में दिखाई दे रहे, शरीर से विशिष्ट है, फिर भी शरीर उनके लिए किसी भी लीला का बाधक नहीं है। उनके ज्ञान आदि ऐश्वर्यों में प्रतिबंधक नहीं है। यथा तथा आचार्य शंकर का उस शरीर में अवतरित होने पर, तादात्म अध्यास पूर्वक अभिमान करने पर भी वह शरीर उनके किसी भी प्रकार व्यवहार में प्रतिबंधक नहीं है। अतएव वो पूर्ण ज्ञानी हो सके, उनके कहा कथन उनका जो ज्ञान है कृष्ण के ज्ञान, कृष्ण जैसे भगवत गीता को कहा और उसको आप प्रामाणिक मानते हो, तद्वत आचार्य शंकर का प्रतिवचन अत्यंत प्रामाणिक है। इसे लेश मात्र संशय करना अपनी पंडित मन्य स्वभाव का कथन करना, अपने पांडित्य का दर्शन नहीं है, पंडित मन्यता को सुस्पष्ट करना। इसीलिए जो कुछ भी मनुष्य का कहना चाहते हो सब कुछ आचार्य शंकर के वचनों के आधार पर ही कहें। समस्त भाष्य को ध्यान रखता हुआ भाष्य में प्रयुक्त अध्यारोपवाद भाषा को अतद्व्यावृत्ति भाषा में परिणत कर कथन करना, ये सबसे बड़ी बात और अत्यंत कठिन प्रक्रिया, कठिन प्रक्रिया। इसलिए यह खलु साक्षात परंपरा व सर्वान जीवान समुद्धीर्षो हो भगवान श्री शंकर अनात्मव्यवेकेन आत्मानं नित्य शुद्ध बुद्ध स्वभाव मुक्त स्वभावानां संक्षेपेण बोधयितुं दश श्लोकीं प्रणिनाय। यह खलु
साक्षात परंपरा वा सर्वान जीवान, कहीं साक्षात कहीं परंपरा वा। साक्षात रूपेण कहीं कथन हो सकता है, कहीं परंपरा। समस्त जीवों को समुद्धार करने की इच्छा से समुद्धीर्षो भगवान श्री शंकरो, भगवान जो श्री शंकर हैं वो कैसे हैं, अनाथभ्यो विवेकेना आत्मान नित्य शुद्ध मुक्त स्वभाव संक्षेपेण बोधयितुम। अनात्माओं से, अनात्मा क्या है, पृथ्वी जलादि, इन अनात्माओं से विवेक करके, पृथक करके, अलग करके आत्मान, वो आत्मा कैसी है, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव, जो नित्य है, नित्य होता हुआ शुद्ध है, शुद्ध होने से बुद्ध है, बुद्ध होने से मुक्त है, ऐसा स्वभाव वाले को संक्षेपेण बोधयितुम, संक्षेप से बोध कराने के लिए दश श्लोकी प्रणिनाय, दस श्लोकों का उन्होंने निर्माण किया है। यद्यपि एक श्लोक वेदांत, एक श्लोक वेदांत, एक ही श्लोक उन्होंने सब कुछ कह दिया जो कह रहा है। और वह बृहदारण्यक उपनिषद का प्रथम अध्याय का तृतीय बाण जो ज्योतिर्ब्राह्मण है उसको आधार बनाकर उन्होंने बोल दिया, किं ज्योतिस्तो भानुमान हनि में इत्यादि। तो एक श्लोक में कह रहे हैं वेदांत, और भी संक्षेप कहते हुए वेदांत जिंटिम ग्रंथ में आधे श्लोक में कह दिए, आधे श्लोक में भी कह चुके जीवो ब्रह्म बना, ब्रह्म सत्यम जगन मित्र जीवो ब्रह्म बना, आधे श्लोक में वेदांत, आधे श्लोक में कहे हुए को विस्तार किए एक श्लोक में, और एक श्लोक में कहे को विस्तार कर रहे हैं अब दस श्लोक। इसलिए कहा गया है, देखिए ये मुक्ति को उपनिषद राम और हनुमान के संवादात्मक है, उस हिसाब कद है मांडुक्यम एकमेव केवलम मुमुक्षुणाम विमुक्तये, एकमात्र मांडुक्य उपनिषद काफी है मुमुक्षुओं का मुक्ति के लिए। इन आचार्य शंकर केवल एक उपनिषद पर भाषण ही लिखे, क्योंकि उन्हें उत्कृष्ट मुमुक्षु ही लक्ष्य नहीं था, उनका लक्ष्य मंद मध्यम अधिकारी भी था, इसलिए उन्होंने क्या किया, दसों उपनिषद पर भाषण। इसे यहां पर कहते हैं सर्वान जीवान, मजदूर सरस्वतकारी कैसे बड़ी विलक्षण शब्द प्रयोग कर रहे हैं, मुमुक्षुओं नहीं कहा, मुमुक्षुओं को उद्धार करने के लिए ऐसा नहीं कह रहे हैं, तो समस्त जीवों को ही उद्धार करने के, चाहे मुमुक्षु हो चाहे अवमुक्षु भी हो, इसको श्रवण करेगा तो उसका अकल खुल जाएगा, यथार्थ में आ जाएगा। इसीलिए कहते हैं सर्वान जीवान, उनमें कुछ को साक्षात कह दिया और कुछ को परंपराया, साक्षात परंपराया वा सर्वान जीवान समुद्धीर्ष हो भगवान श्री शंकर हो, षट प्रकार के ऐश्वर्यों से संपन्न होने से उनको विशेषण दिया गया भगवान है श्री शंकर आचार्य, आचिनोत शास्त्रार्थम आचार्य स्थापयत्यपि, आचिनोती शास्त्र और शास्त्र के अर्थ को सम्यक प्रकार से निचोड़ लिया, और आचार्य स्थापयत्यपि अपने जीवन के आचरण में जो स्थापना करता है ऐसे आचार्य। आपने मनीषा पंचक को देखते ही हैं, स्पष्ट होता है कितने आचरण में थे, चांडाल के रूप में आए, वह चांडाल हट गया तो चांडाल के चरण जो पग चिन्ह था उस पर मस्तक लगाकर प्रणाम। तो ज्ञान को प्रणाम करते हैं क्योंकि हम जात पात से परे हैं, वास्तविक जो ब्रह्मज्ञानी होगा वो इन सबसे ऊपर है, ये तो व्यावहारिक व्यवस्था है, ब्राह्मण क्षेत्र में शूद्रादि यहां पर इसे सब कहेंगे, दस श्लोक में सबका निषेध है, ये तीन से सबका मूर्तामूर्त जितने भी उपाधिकृत है औपाधि की सकल उपाधियों को निवारण करना है। इसलिए कहते हैं कि साक्षात परंपरा सर्वान जीवान समुद्र दृश्य